हेलो एवरीवन, मैं यश सच पटेल आप सबका यूट्यूब चैनल को स्वागत करता हूं। जैसे आज की क्लास भी बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा। सॉरी एवरीवन, वीडियो लेट आ रही है, इसके लिए सॉरी। यूट्यूब भी मैं क्या करूं, ऑफलाइन क्लास इतना ज़्यादा चल रही है कि इसलिए वीडियो लेट आ रही है। इसकी टेंशन की बात नहीं है, अब हो सकता है डेली क्लास आएंगे, डेली वीडियो आएंगे, तो आप लोग डेली क्लास अटेंड करिएगा। टाइमिंग आपको बता देंगे कुछ देर बाद, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब आज का टॉपिक। आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है। इस चैप्टर से क्लास टेंथ में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये चैप्टर क्लास टेंथ के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही न्यू होता है, क्योंकि इससे पहले जो चैप्टर है ना, इसको बच्चे देख नाम भी नहीं सुना करते हैं। ये चैप्टर क्लास टेंथ के लिए बहुत ही अच्छा है और बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। नंबर कौन से नंबर पूछे जाते हैं, ये एक नंबर पूछा जाता है, उससे दो नंबर में पूछा जाता है, और पाँच नंबर में कंफर्म है भाई। इस चैप्टर से सब में ये एक नंबर में आएगा, दो नंबर में, पाँच नंबर में आएगा। तो सर चैप्टर कौन सा है, देखो वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन बेहतरीन देखना। और इससे चैप्टर का नाम बताते हैं, कौन सा चैप्टर है, ट्रिगो। क्या होती है ट्रिगो, जिसको हम ट्रिगोमेट्री भी बोलते हैं, उसको होता है ट्रिगो बोलते हैं, ठीक है। तो इससे पहले बहुत से लोग सुने का बहुत हार्ड है, ये है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छा सा समझा गया हमको, बहुत ही बेहतरीन वीडियो होगा। इस यही बात है, बस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, वीडियो थोड़ी लंबा होगी लेकिन वीडियो को अच्छा देखना, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं अपना हम ट्रिगो को। ये क्या, तो आइए देखते हैं इसका क्या ट्रिगोमेट्री, ठीक है। बोलना क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोमेट्री, ठीक है। इसका आप थोड़ा परिचय के बारे में जानते हैं, ये होता क्या है। और यहाँ देखिए, अगर आप बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड या कोई बोर्ड हो या अदर कोई बोर्ड हो, अगर एनसीईआरटी सिलेबस है, चैप्टर ये है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं इसको दोनों में बनाऊँगा, बताऊँगा, हिंदी लैंग्वेज में बताऊँगा और सीबीएसई में बताऊँगा। तो आपको टेंशन की बात कुछ नहीं है, बिल्कुल आसानी से देखिए कोई बोर्ड हो। और हाँ, देखना तो बस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो बस, ज़्यादा नहीं, मैं ज़्यादा नहीं, बस एक फ्रेंड को जरूर शेयर करना है, एक फ्रेंड को ज़्यादा, एक फ्रेंड को शेयर जरूर करना है, ओके। तो आइए देखते हैं ट्रिगोमेट्री। देखिए पहले इसको इंडक्शन देते क्या, ट्रिगोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन द साइड एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स। इन लोगों को क्या बोलता है, साइड एंगल और ट्रायंगल्स को बारे संबंध को ये दर्शाता है। कैसे, आइए पहले हिंदी को भी देखते हैं, उसके बाद ये बना कैसे ट्रिगोमेट्री है कि उसको आपको पूरा अच्छा से समझाएंगे। देखिए अब हिंदी क्या बोल रहा है, ट्रिगोमेट्री वह शाखा है जो त्रिभुज के भुजाएँ और कोण के बीच के संबंध को अध्ययन किया जाता है या बताता है, कुछ भी समझो, ठीक। बस मैंने समझाने के लिए इसको बता दिया है आपको, ये लिख आप इसको लिख भी सकते हैं, क्वांटिटी ये एग्जाम में पूछ देगा थोड़ा सा ट्रिगोमेट्री के बारे में, तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया, तो आप भी नोट कर लीजिएगा बारीकी से, ओके। तो आइए देखते हैं ट्रिगोमेट्री का मतलब क्या होता है। देखिए मैंने यहाँ पर ट्रिगोमेट्री लिख दिया है, क्या ट्रिगोमेट्री, इसलिए ट्रिगोमेट्री, ठीक है। तो बात होता कैसे, इसका आविष्कार कैसे हुआ, उसको अब हम देखते हैं बारीकी से। देखिए आपको यहाँ दिख रहा है ट्री, यहाँ कौन, यहाँ मिति, इससे बना क्या है, ट्री से क्या बना हमारा तीन, ट्री, ये ट्री बन गया, ठीक है। को से क्या बना, कौन, अमी से मिति, देखो ट्री से क्या बना, मैंने बना दिया थ्री, ट्री से बनाया थ्री, जो कि वन टू थ्री। एंगल, एंगल से मैंने ये दर्शा दिया, या आप इधर भी दर्शा सकते हैं या किधर भी दर्शा सकते हैं। मेजरमेंट, भाई साहब मेजरमेंट, देखो मेजरमेंट क्या होता है, इसका और इसका, इसका संबंध को, पूरा एंगल का संबंध को मेजर करने का संबंध को, ये क्या होता है, हमारे मेजरमेंट कहलाते हैं। कहने का मतलब क्या, बात बारीकी से समझी, इस बात जानिए, तीन एंगल के वन टू थ्री, थ्री एंगल के कोनों को मेजरमेंट नापने की प्रक्रिया, एंगल को बताने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम, ट्रिगोमेट्री। तीन एंगल के कोण के एंगल के और मैं इसको नापने की प्रक्रिया को हम ट्रिगोमेट्री कहते हैं। समझ में आ गया भाई, तो अब इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। सपोज डैट यहाँ पे मैंने 90 डिग्री दर्शाया है, क्या हुआ, मैंने यहाँ पे 90 डिग्री दर्शा दिया है, क्लियर है। देखिए इसको क्या क्या बोलते हैं, देख लीजिए इसको क्या बोलते हैं हम, लंब, हिंदी वालों लंब, ठीक है, हिंदी वाले लंब। इसको बेस, इसको बेस, आधार भी जानते हैं हम लोग, ठीक है, आधार, आधार, ठीक है, आधार। और इसको भाई इंग्लिश में क्या होता है, इसको परपेंडिकुलर, पर पीस मिनट इंडिकेट कर दिया, क्योंकि आप लोग क्लास 9th में इसको पढ़ के आए होगा, आधार बेस और ये हाइपोटोनियस, ठीक है, आधार बेस और ये हाइपोटोनियस, इसको आधार बेस, और इसको कर्ण भी शायद कर्ण बोलते हैं, ठीक है, इसको कर्ण बोलते हैं, क्लियर है। चलिए यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, अब हमको अब ये कुछ साइन को इंडिकेट करते हैं, साइन कैसे होते हैं उनके बारे में हम बताने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने एक एक करके लिख दिया नोट,
मैंने यहाँ लिख दिया है नोट, नोट करने क्यों भाई, जो जो हमको एंगल्स क्या पढ़ना है, इसमें कौन, इसमें कौन। अब सर बात आया कौन का, एंगल का, कौन कौन सा हमको एंगल पढ़ना है। आपके आपके लिए बिल्कुल ये नया चैप्टर है, आप इससे पहले क्लास टेंथ में सुना भी नहीं था, सुना था हाँ ट्रिगोमेट्री बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। आओ देखो इसमें हमको पढ़ना है एंगल्स के बारे में, कौन कौन एंगल होते हैं। देखो ये रहा, हम इसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं थीटा, इसको हम थीटा बोलते हैं, इसको आप क्लास देखा होगा, इसको बोलते हैं फाई, ठीक है। इसको बोलते हैं मैंने अल्फा से इंडिकेट किए थे, इसको आपने पढ़ा होगा, ये बीटा बोलते हैं, इसको गामा पढ़ते हैं। ये सब हमको इस चैप्टर में पढ़ने को टोटली मिलेगा, इसको आप बारीकी से आप नोट कर लीजिएगा, टोटल एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पूरा फ्रेंडों के साथ शेयर कर दीजिएगा कि भाई अब चैप्टर स्टार्ट हो गया और पूरा 100 में 100 हमारा नंबर आएगा ये सब से पढ़कर, ठीक है। अब भाई पूरा 100 में 100 नंबर लाने का टेंशन छोड़ दो, क्योंकि चैप्टर, और हाँ अब ये नहीं डेली वीडियो आएंगे, टेंशन नहीं है, मैं डेली वीडियो डालूंगा। आज वीडियो आ रहा है, कल भी वीडियो आएगा पार्ट टू। ये आज तो पार्ट वन है इंट्रोडक्शन का, और चैप्टर ये फर्स्ट का, ठीक है, सॉरी चैप्टर ये है 8 का, जो ट्रिगोमेट्री किसी भी चैप्टर में देख लीजिएगा, कोई अपने जो 8 में दिया है, 6 में दिया, 5 में जिसमें दिया, कोई मतलब नहीं है, बस ट्रिगोमेट्री चैप्टर है तो इसको सबको पढ़ना है, ये पार्ट वन है, ओके। तो आइए कुछ देखते हैं इससे अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखते हैं, अब क्या होता है कुछ बारे में। देखो जैसे क्या हुआ, आपने साइन थीटा सुना होगा, बट साइन बने कैसे हैं, इसको आया कैसे हैं, उसको हम देखते हैं। देखिए पहला था साइन, ठीक है, इसमें छूट गया है, ठीक है, इस टाइप का साइन था, साइन को हमने बना दिया साइन, ठीक है, जो साइन थीटा के भी नाम से हम जानते हैं। देखिए कोसाइन नाम था, पुराना नाम कोसाइन, इसको शॉर्ट फॉर्म इतना लंबा नाम रख लेंगे, अच्छा क्या हम इसको कॉस थीटा नाम से इंडिकेट कर सकते हैं, कॉस भी बोलते हैं। टेंजेंट, टेंजेंट है, टेंजेंट, टेंजेंट को हम क्या करते हैं, टैन, टेंजेंट को मैंने कर दिया टैन, जैसे टैन थीटा बोलते हैं। ये देखो कोसेंट, कोसेंट से क्या बन गया, कोसेक, क्या बन गया, कोसेक। ये देखा सेकेंड, सेकेंड से क्या बन गया, सेक, इसको सेक थीटा बोलो, कोसेक थीटा बोलो, कुछ बोलो फर्क नहीं पड़ता। ये देखो कोजेंट, कोजेंट से क्या बन गया मेरा, कॉट, ये कॉट थीटा से भी बोलो, ठीक है। अब आते हैं इसके बारे में, असल ये दो ट्रायंगल देख रही है, इसको क्या दिखा रहा है, कुछ बात कुछ अलग समझ नहीं आ रहा, लेकिन देखो समझ में आएगा कब, जब ध्यान से देखोगे तब, कहने का मेरा मतलब क्या है उसको बारीकी से देखो, ठीक है। आइए देखो मैंने क्या बना दिया था, ये एक बना दिया ट्रायंगल, ले भाई एंगल वाले कौन के बना दिया मैंने, बट यहाँ पे क्या किया उसको देखो, देखो यहाँ मैंने बना दिया ना ये वाला, देखो मैंने यहाँ 90 डिग्री हो गया, ये एक मैंने कहने का मतलब क्या, देखिए ये देखिए ये मेरा एक एंगल ही है, ठीक है, एंगल ही है, एंगल का सामने वाला जो होता है परपेंडिकुलर है, नीचे वाला बेस होता है। इसके बाद एक और चीज़ बताना वाला जो इसी पे डिपेंड है, इसी पे से वो बना है, ठीक है। देखो ये एंगल के जो सामने वाला होते हैं ना, ये सामने वाले ये भाई साहब वाले ये परपेंडिकुलर इसके होते हैं, और नीचे वाले बेस ये हाइपोटोनियस, ठीक है, इस समझ में आ गया। अब इसको देख लो, मैंने एंगल कहाँ रखा था, इस साइड रखा था, अब मैं एंगल कहाँ रखूँगा भाई, मैं एंगल यहाँ रख दिया, ठीक है, मैं एंगल यहाँ अब रख दिया तो क्या हो रहा है, थीटा मैंने यहाँ अब रख दिया ना, थीटा ये एंगल बोले थीटा कुछ बोले जो भी, फर्क नहीं पड़ता, यहाँ मैंने रख दिया तो क्या पड़ रहा है। अब देखिए ये वाला भाई साहब बेस ये बन गया, मेरे बेस ये बन गया है, बेस ये बन गया, और इसके सामने वाला मैंने बोला ना, सामने वाला क्या हुआ, परपेंडिकुलर हुआ, सामने वाला परपेंडिकुलर, जिसको लंब के नाम से बोलते हैं, यहाँ मैंने बनाया था इस साइड, तो इसका कौन हुआ, सामने वाला ये पड़ा परपेंडिकुलर, तो क्या बन गया, बेस ये बन गया, लंब ये बन गया, बेस ये बन गया, परपेंडिकुलर ये हाइपोटोनियस, जो कर्ण के नाम से हम जानते हैं। अब यहाँ पे मैंने एंगल यहाँ बनाया था, तो कौन सा बेस, ये आधार जो है यहाँ बन गया है, और इसके सामने वाला क्या बन गया, लंब, इसके सामने क्या बन गया, लंब बोलो या परपेंडिकुलर, ये हाइपोटोनियस में चेंज नहीं आया, इसमें चेंज नहीं आया, समझ में आया बातों को, पूरा अच्छा समझ में आया ना, समझ में आ गया। चलो तो कौन सा बात है, देखिए जो क्या बोले, देखिए मैंने बोले साइन, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई H, कोसेक कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई H, टैन इक्वल टू पी बाई H, अब कोसेक इज इक्वल टू H बाई पी, और सेक थीटा इज इक्वल टू H बाई बी, और कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी, कहने का मतलब क्या है बातों को समझो। देखिए साइन का होता है पी बाई एच, पी का मतलब पी मेरा ये हो गया और एच ये हो गया, ठीक है, इसको बोलते हैं लंब बटा कर्ण, इसको लंब बटा कर्ण बोलते हैं, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, कॉस, कॉस का बेस, बेस है ना, इसका आधार, आधार, ठीक है, और बटा क्या, कर्ण, आधार बटा कर्ण, और क्या बोलते हैं टैन, टैन का क्या होता है पी बाई एच, पी कौन मेरा ये है, उसको बोलते हैं लंब, लंब बटा कर्ण,
और क्या कोशिका का, कोशिका है ना, कोशिका का एच बाई पी, एच कौन सा, ये मेरा कर्ण बाटा लंब, ये रहा भाई साहब का। और इसका कोशिका का क्या है, सेक का, सेक का दिया गया एच बाई पी, एच कौन सा है मेरा, एच ये रहा कर्ण बाई आधार, आधार ठीक है। और ये यहाँ कोट का, कोट का क्या दिया, आधार, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, क्लियर है। ये सब हमारे ये हैं टोटल चीज़, मतलब क्या है, इन्हीं सब को देखने का पड़ता है कौन क्या होता है, साइन इक्वल टू पी बाई एच, एच बाई पी कैसे होता है, इसको देखेंगे पार्ट टू में। और इसके और भी डिटेल, ये जितना आपको ट्रिक देख रहे हैं ना, तुरंत वीडियो आएगा, उसको आप देखना मत भूलिएगा, क्योंकि पार्ट टू में इसको मैं बताने वाला हूँ जबरदस्त तरीका से। ये आपको क्या बोलते हैं, ये हार्ड लग रहा होगा, इसको हार्ड नहीं लगने दूंगा, एकदम चैनल ठोक के बोल रहा हूँ, इसको यूँ चुटकी में याद करा दूंगा, ठीक है, यूँ चुटकी में याद करा दूंगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, ये पार्ट टू देखना जरूर भूलिएगा मत, क्योंकि पार्ट टू इसके बाद आ रहा है, ठीक है। चलिए तो बस इस वीडियो में इतना ही सा, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक फ्रेंड को जरूर शेयर करिएगा, अब वीडियो अच्छा लगा तो एक कमेंट जरूर लिखिएगा अच्छा कुछ, ठीक है। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।